हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट। आज के इस टाइम में जब सारा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो गया तो ट्रेड करना बड़ा आसान हो गया। इसमें बायर कहीं भी बैठा हो, सेलर कहीं भी बैठा हो, एक दूसरे से ट्रेडिंग करनी बड़ी इजीली कर सकते हैं। परंतु कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे सेलर है, सेलर लेट्स सपोज बैठा है कनाडा में, बायर है इंडिया में। अब सेलर बायर को तो जानता नहीं है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, तो उसको अपने पैसे की चिंता रहती है कि मेरा पैसा प्रॉपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेफ है कि नहीं सेफ। इस चीज को ठीक करने के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है, जो कि बैंक द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा इशू होता है। वो सेलर को ये एश्योरेंस देती हैं कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस बायर फेल करेगा पेमेंट के लिए। तो अब ये देखो, ये एक बायर आ गया, बायर है इंडिया में, ये सेलर है दूसरा, सेलर है कनाडा में। बायर ने सेलर से कुछ सामान लेना है, अब उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वो इशू करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रोसीजर क्या है। हम जो बायर है इसको इम्पोर्टर भी कह सकते हैं। अब बीइंग एन एप्लीकेंट, वो पहले सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगाएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे को मिले। वो अपने जो इंडिया में बैंक है, अपने बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास अपील करेगा, उसको लेटर एप्लीकेशन देगा कि मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाए। जो बैंक है, बैंक उससे सप्लायर की डिटेल पूछेगा, सप्लायर का नाम क्या है, कौन सी गुड सप्लाई करनी है, कितनी क्वांटिटी में गुड सप्लाई करनी है, कितने मटेरियल की कितना मटेरियल है, नंबर ऑफ गुड्स कितनी है, उसका सप्लाई करने का जो कैरेज है कैरेज कैसे करेगा, शिपमेंट कैसे करेगा, बाई एयरवेज करेगा, शिप से करेगा, कैसे करेगा, उसकी उसका बैंक कौन सा उसका। इसी तरह वो सेलर का सारे डिटेल ले लेगा। सेलर का डिटेल लेने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो ये बैंक लिखा हुआ है, बैंक इन कनाडा, ये बैंक है सेलर का बैंक है, ये बैंक सेलर के बैंक को दे देगा लेटर ऑफ क्रेडिट। अब जो सेलर है, जो अब सेलर का बैंक है, सेलर का बैंक इसी लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर सेलर को दे देगा अपने को। अब सेलर ने क्या करना है, सेलर ने मटेरियल तैयार करना है, उसने शिपमेंट के लिए भेज दिया। जब शिपमेंट के लिए भेजा, शिपमेंट में भेजने के बाद वहां से डॉक्यूमेंट्स मिले उसको। अब डॉक्यूमेंट्स उसने फर्दर क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स को उसने वापस अपने अपने बैंक को, जो कनाडा में बैंक है, उसको भेज दिए। डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हाँ, इतना मटेरियल, इतना गुड्स सप्लाई की है सेलर ने, ये क्वांटिटी है, उसमें सारा डिटेल दे रखी होती है। फिर जो कनाडा वाला बैंक है, वो इंडिया के बैंक को वो सारे डॉक्यूमेंट दे देता है। अब इंडिया का बैंक है, वो पूरी तसल्ली करेगा कि जो नंबर ऑफ गुड्स हैं, जो उसने क्वालिटी लिखी है, क्वालिटी बेसिकली क्वालिटी चेक तो कर नहीं सकते, लेकिन जिसमें उसमें स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि ये स्पेसिफिकेशन क्या है, इतने मटेरियल क्या है, इस शिपमेंट से गए हैं, वो चेक करेगा। जब उसकी तसल्ली हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो बायर को फर्दर बायर को डॉक्यूमेंट्स भेज देता है। अब बायर ने डॉक्यूमेंट्स देखे, बायर ने अपने बैंक को, जो इंडिया में बैंक है, उसको पैसे दे देता है। दो इसमें दो तरह के तरीके हैं, एक तो बैंक बायर को भेजता है, बायर ने पैसे दिए। नंबर दो पे क्या होता है, सीधा बैंक अपने लेवल पे पैसे भेज देता है, क्योंकि बायर और बैंक के बीच में एक डील हो चुकी होती है। डील के मुताबिक पेमेंट पहले बैंक ने करनी होती है, बैंक बाद में जैसे भी ये उसका आपस में समझौता होता है कि कैसे लेनी है, उन्होंने वो बायर से ले लेते हैं। अब बायर उस पैसों को, जो भी पैसे ही हैं, उनको फिर ये जो कनाडा में बैंक है, सप्लायर का बैंक है, उसको भेज देता है। अब जो सप्लायर है, सप्लायर का बैंक है, सप्लायर का बैंक उन पैसों को फिर सेलर को भेज देता है। इन द मीन टाइम जो शिपमेंट में सामान चल जा रहा होता है, वो बायर के पास पहुंच जाता है। ये सारा प्रोसीजर है लेटर ऑफ क्रेडिट का। लेटर
ऑफ क्रेडिट के केस में क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या बैंक्स हैं, इशूइंग बैंक इसको बोलते हैं, जैसे इंडिया का जो बैंक है उसको हम इशूइंग बैंक बोलते हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे 90 डेज का देता है, 60 डेज का देता है, उस पर लिखा होता है स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी कंडीशन जब एट द टाइम ऑफ जो एग्रीमेंट होता है उनका सेलर और बायर का, चाहे ये एग्रीमेंट बैंक के पास नहीं जाता, लेकिन उसमें मालूम होता है कि इन्होंने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 दिन में मटेरियल सप्लाई कर देना है, लेटर ऑफ क्रेडिट उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाता है, इसमें जो बैंक है इशूइंग बैंक फीस चार्ज करता है, इन केस जो सेलर है, सेलर चाहता है कि पेमेंट मेरे को मेरी गारंटी बन जाए, मेरा ग्रंटर बन जाए जो मेरा बैंक है, जो बैंक कनाडा में है, तो कनाडा वाला बैंक भी उससे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करता है परसेंटेज में, तो वो कॉस्टली मेथड है। लेकिन अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, जो सेलर है, सेलर को एश्योरेंस हो जाती है कि जो मैं पैसे, जो मैं मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ तो उसके पैसे मेरे को मिल जाएंगे, मेरे को पैसा डिफॉल्ट नहीं होगा, अगर डिफॉल्ट होगा भी तो बैंक है, बैंक मेरे को पे कर देगा। बायर को क्या होता है कि उसको हो जाता है कि शिपमेंट में चला जाएगा माल, चाहे इसमें क्वालिटी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्वालिटी जरूरी नहीं है कि वही क्वालिटी उसको मिले, जो क्वालिटी उसने अप्रूव की है वो क्वालिटी ना मिले, लेकिन फेथ दोनों तरफ करना पड़ता है। इसमें इसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही रहता है बायर के साइड में, सेलर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेटर ऑफ क्रेडिट कई टाइप के होते हैं, लेटर इसमें एक होता है कमर्शियल एंड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। जो कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है इसका मतलब क्या है, जो बैंक है इशू बैंक है, इशूइंग बैंक है, वो सीधा डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट कर देता है, उसमें उसने जो बायर है बायर से नहीं पूछता, क्योंकि बायर के साथ उसका एग्रीमेंट हो चुका है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था एग्रीमेंट हो गया, अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इशूइंग बैंक की, वो बैंक सीधी डायरेक्ट पेमेंट कर देती है। तो ये आ गया कमर्शियल बैंक। जो स्टैंड बाय बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें क्या होता है, पेमेंट की चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूइंग बैंक की है, लेकिन वो उस केस में पेमेंट करता है अगर बायर ना करे, अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट हम किसको बोलते हैं, जो एक्सपोर्टर के लिए जब इशू करते हैं, जो मान लो जो कनाडा का सप्लायर है, कनाडा का सप्लायर एक्सपोर्टर है, उसको तो मिलेगा एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। जो इंडिया का बायर है उसको मिलेगा, वो बीइंग एन इंपोर्टर उसको मिलेगा इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें इस जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वैसे तो एक बार भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जो बेनिफिशियरी है उसको बैंक लेटर में अलाउ कर देता है कि वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो विड्रॉ ले सकता है उसमें। बट क्या करते हैं, जैसे आपने उसने 2 करोड़ की कोई लिमिट बनाई है कि इतने 2 करोड़ पे लेना है और 6 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम के अंदर अंदर, अब क्या कर सकता है वो, 2 महीने जो 2 करोड़ की पेमेंट है उसको पीस मील में ले सकता है, जैसे पहले 40 लाख ले ली, फिर 30 लाख ले ली, फिर 40 लाख ले ली, इस तरह करते करते टोटल उसका सम जो है 2 करोड़ पे होना चाहिए विद इन 3 या 4 मंथ, जितना भी उनका लेटर ऑफ क्रेडिट का पीरियड है उसके अंदर अंदर उसको विड्रॉ कर सकता है। एक होता है ट्रेवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है, कई बार जो बिजनेसमैन है जगह जगह ट्रेवल करता है तो वो एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेता है, उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या नाम जिस बैंक में भी उसने जाना है उस बैंक का नाम आ गया, तो उसका बंदे का नाम आ गया, कितने पैसे विड्रॉ कर सकता है। अब क्या करेगा, जो बायर है कहीं भी गया, वहां के बैंक में गया, बैंक में जाके अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाई उसने कि मैं वही पर्सन हूं जिसके नाम से ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ है, ट्रेवलर्स लेटर जो इशू हुआ है, तो वो वहां से उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखा के वहां से पैसे विड्रॉ कर सकता है। कंफर्म्ड एंड अनकंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में क्या है, एक तो हमारा इशूइंग बैंक है, एक दूसरा नेक्स्ट बैंक है उसको हम बोलते हैं कंफर्मिंग बैंक। इसमें क्या है, जो कंफर्मिंग बैंक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि इन केस इशूइंग बैंक जो है, इशूइंग बैंक अगर डिफॉल्ट कर गया
तो कंफर्मिंग बैंक वो पेमेंट करेगा सेलर को। ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसमें चार्जेस डबल चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो एक तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट कर इशुइंग बैंक वाला है, एक कंफर्मिंग बैंक वाला है, दोनों का चार्जेस पड़ेंगे। एक होता है अनकंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अनकंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में क्या होता है, सिर्फ इशुइंग बैंक की पेमेंट है, मतलब इशुइंग बैंक की गारंटी है पेमेंट के लिए। इसमें जो दूसरा बैंक है कंफर्मिंग बैंक कहते हैं जिसको, हम उसमें कंफर्मिंग बैंक, उसका नाम अब कंफर्मिंग बैंक नहीं आया, वो सिर्फ पास करता है। वो उसने क्या किया, वहां से पैसे लिए, इशुइंग बैंक से पैसे लेके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि उसने वहां से पैसे लेके आगे फर्दर, वो तो मीडिएटर है, फर्दर सेलर को दे दिए। इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इश्यूइंग बैंक की है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इरिवोकेबल एंड रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इरिवोकेबल लेटर क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे कोई बायर है या इश्यूइंग बैंक है, वो कभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई भी अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द सेलर। इसमें इसमें कई बार क्या होता है, अगर कोई चाहे भी, मान लो कुछ टाइम बाद बायर है या इशुइंग बैंक है, वो कहे कि मैं इसमें ये कंडीशन कंडीशन चेंज कर दूं, मैं कुछ अमाउंट के अमेंडमेंट कर दूं या मैं कैंसिल कर दूं, वो कुछ नहीं कर सकता। ये वैसे तो यूसीपी की आर्टिकल 3 ऑफ यूसीपी 3600, सारे जितने भी लेटर हैं, अगर उस पर मेंशन ना कर रखा हो, ऑल द लेटर्स आर लेटर ऑफ क्रेडिट, जो जितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं वो इरेवोकेबल है। यूसीपी की नीचे मैंने बता रखा है, द यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। जो रिवोकेबल है, रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, जो बैंक है इशुइंग बैंक है वो किसी भी टाइम कंडीशन को अमेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है टर्म एंड कंडीशन को बिना अप्रूवल लिए सेलर की। तो लेकिन आजकल ये इस टाइप का जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि ये सेफ नहीं होता। कोई भी सेलर इस टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट। रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या चक्कर है, जो इश्यूइंग बैंक है वो बेनिफिशियरी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक बैंक से, जिस बैंक का उसने नाम लिखा है उसी बैंक से वो पैसे ले सकता है। इसमें ये नहीं कि वो किसी भी बैंक से जा सकता है। लेकिन अनसिक्योर्ड मैटर में क्या होता है, अनसिक्योर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में क्या होता है, अब जो बेनिफिशियरी है उसको लगता है कि इसको अच्छे रेट नहीं मिल रहे, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहीं किसी और बैंक के साथ भी, अपनी चॉइस के बैंक के साथ भी नेगोशिएट कर सकता है। एक होता है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पार्टी है, जो सेलर सेलिंग पार्टी है, जो एक्सपोर्टर है, वो खुद खुद मालिक नहीं होता, वो सिर्फ एक मीडिएटर है। उसने केवल कमीशन ले लिया, कमीशन लेके उसने मटेरियल कर दिया सप्लायर, बायर को सप्लाई कर दिया, जो इम्पोर्टर है उसको सप्लाई कर दिया। अब जो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, अब क्या है, जो जो ये फर्स्ट फर्स्ट सेलर है, जो फर्स्ट इसको बेनिफिशियर है, ये फर्स्ट बेनिफिशियर है, ये किसी दूसरे को जो सेलर है सेलर के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बायर है, बायर को गुड्स की सप्लाई प्रॉपर टाइम पे मिल जाती है, लेकिन जो सेलर है सेलर को साथ साथ पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब सेलर ने अपनी सप्लाई है, जो भी गुड्स की सप्लाई है उसकी जब शिपमेंट कर दी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन करता है, डॉक्यूमेंटेशन करते करते जब तक उसके पास माल पहुंचता है बायर के पास, तब तक उसकी भी पेमेंट मिल जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में जो सेलर है सेलर को बाद में पेमेंट मिलती है, वो जो टाइम पीरियड है कितने टाइम बाद, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने टाइम सेलर और बायर का आपस में जो एग्रीमेंट हो गया उस एग्रीमेंट के बेस पे ही वो लेते हैं। मतलब इसमें बायर को आज प्रॉपर सप्लाई मिलेगी, लेकिन जो सप्लायर है सप्लायर को पेमेंट बाद में मिलेगी। पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, इसमें ये वो क्रेडिट है, जब जो भी
मान लो सेलर ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सेलर ने शिपमेंट के लिए पेपर दे दिए, अब शिपमेंट के पास पड़े हैं, अभी पेपर उनके शिपमेंट में पड़े हैं, वो चेक करेगा पेपर्स ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वो वापस नहीं करेगा, अभी सीधा ही उसको पेमेंट कर देगा सेलर को। उसने शिपमेंट के पेपर देखे, चेक किए, पेपर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो पेमेंट कर देगा उसको सीधा सीधा सेलर को। एक होता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ये रेड क्लॉज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज लाल रेड इंक से लिखी जाती है, इसको इसलिए रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इसमें क्या है, अब जैसे जो बेनिफिशियर है, जो सेलर है, ये बैंक से बिन अपनी शिपमेंट के पहले ही, अभी उसने शिपमेंट की नहीं, उससे पहले ही ये पैसे ले लेता है, थोड़ी सी कुछ प्रीपेड पेमेंट ले लेता है, थोड़ी सी पार्ट में पेमेंट ले लेता है, उससे क्या होता है उसको सप्लाई करने में इजी हो जाता है। इस केस में अगर जो सेलर है, जो सेलर है वो या एक्सपोर्टर है, उसने माल एक्सपोर्ट नहीं किया, फेल हो गया, तो जो नॉमिनेटेड बैंक है, वो जो इशुइंग बैंक है, इशुइंग बैंक से वो पैसे ले लेगा, क्योंकि इशुइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस पर रेड क्रॉस में लिखा होता है कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय सेलर, तो वो पेमेंट करेगा। इसमें अभी बायर के पास पहुंचा नहीं माल, दो बायर के पास नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इशुइंग बैंक की होगी। एक होता है ग्रीन क्लॉज। इस ग्रीन क्लॉज में क्या है, जो सेलर है, सेलर रॉ मटेरियल के परचेज के लिए एडवांस ले सकता है, प्रोसेसिंग फी, प्रोसेसिंग अंडर प्रोसेसिंग है, जब पैकिंग जब कर रहा है, उसमें वेयर हाउसिंग चार्जेस है, इंश्योरेंस है। पेमेंट के पहले क्या होता है, उनके बॉन्डेड वेयर हाउसेज होती हैं, वहां माल सप्लाई कर देते हैं, समटाइम के साथ साथ शिपमेंट में नहीं होती, पहले एक बार वेयर हाउस में गया माल, वेयर हाउस से रसीद ले लेते हैं, वो रसीद लेके रसीद को डिपॉजिट कर दिया उन्होंने अपने बैंक को, तो उससे उनको पेमेंट मिल जाता है, कुछ एडवांस मिल जाता है। ये भी इसका जो एडवांस है, ये भी जब तक शिपमेंट नहीं होती तब तक उसका पीरियड होता है। एक होता है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, समटाइम जो सेलर है, सेलर अपना मटेरियल को किसी ना किसी अनस्पेसिफाइड रीजन से वो मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकता, तो वो कह देता कि मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो एक सेकेंड क्रेडिट खुल जाता है दूसरे सेलर के नाम पे। अगर ऐसे ना हो तो अदरवाइज क्या होता है, अब सेलर ने मटेरियल नहीं भेजा, महीना डेढ़ महीने का टाइम लग गया, डेढ़ महीने बाद वो कहेगा कि मैं आई एम अनएबल टू सेंड द मनी, मैं कोई ना कोई वो रीजन, कोई भी रीजन, चाहे विद वन रीजन टू, वो नहीं भेज पाया। अब बायर क्या कह रहा है, बायर को फिर नए सिरे से लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना पड़ेगा, जब नए सिरे से लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने के लिए उसको सारी फिर डिटेल लेनी पड़ेगी, इससे क्या होता है, इससे टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट क्या होता है, जो मटेरियल के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे इसमें क्या है, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एक सेकेंड क्रेडिट लेटर खुल जाता है। अब पहले सेलर ने नहीं माल बेचा, तो दूसरा सेलर के नाम से ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट जो सेकंड क्रेडिट है वो खुल गया ऑटोमेटिकली। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।